चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे बीजेपी की, अरविंद केजरीवाल जो शख्सियत है वो भ्रष्टाचार कहीं पर भी होगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, नितिन गडकरी से कान पकड़ के माफी किसने मांगी थी? अरविंद केजरीवाल से की नहीं, तो बेशर्मी करना, आरोप लगाना, कान पकड़ के माफी मांग लेना, जिसके खुद की पार्टी का देखो तू तलाक तक का भाषा का प्रयोग, अपनी जात पर दिखा, उसने अपनी औकात पर दिखा, अपने संस्कार पर दिखा, चिरकुट रेपिस्ट को जो है थेरेपिस्ट बताकर इनका उप मुख्यमंत्री पाठशाला खोलने की जगह मधुशाला खुलता है, ऐसा भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी वो भ्रष्टाचार पर लेक्चर देती है। कल शरद पवार को भ्रष्ट कहते थे, श्रीमती सोनिया गांधी को भ्रष्ट कहते थे, राहुल गांधी को भ्रष्ट कहते थे, लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट कहते थे, और सबके जो है आग गले लग रहे हैं, तो इनकी क्या नीति है भाई? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारी एक और न्यूज डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले वो होने वाला है एबीपी न्यूज चैनल का। और दोस्तों आज की इस डिबेट के अंदर जो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और वह अभी फिलहाल ईडी के रिमांड पे, तो दोस्तों उसी मुद्दे पर आज की डिबेट होने वाली है, जिसमें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी के बीच में आपको काफ़ी तीखी बहस इस डिबेट में देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इस वीडियो का अंतर जरूर से देखे जाएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुलदीप जी एक चीज थोड़ी क्लियर कर दीजिए, कांग्रेस को आप क्लीन चिट दे रहे हैं ना, आप तो नहीं मानते आप कांग्रेस को भ्रष्टाचारी? देखिए मैं किसी को क्लीन चिट देने वाला कोई नहीं हूं, क्लीन चिट देने वाली तो अगर आरोप लगाने वाले स्पष्ट रूप से काम करें, पन्ने सारे ले लेकर आप लोग मीडिया के सामने आते हो तो आप ही लोग कहते हैं भूल गए क्या मैं काम ना करें। देखिए चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे बीजेपी की, अरविंद केजरीवाल जो शख्सियत है वो भ्रष्टाचार कहीं पर भी होगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो, और हम उसके खिलाफ खड़े होंगे अगर भ्रष्टाचार कहीं पर होगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले प्रेम शुक्ला जी को मुझे लगता है जवाब देना चाहिए, चूंकि आप सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप जी को, उनका यह कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से बहुत आगे आप निकल चुके हैं, ज्यादा स्कोर कर चुके हैं हम आप। देखिए कान पकड़ के, अभी अरुण जेटली से कान पकड़ के माफी किसने मांगी थी? अरविंद केजरीवाल थे कि नहीं? नितिन गडकरी से कान पकड़ के माफी किसने मांगी थी? अरविंद केजरीवाल थे कि नहीं? तो बेशर्मी करना, आरोप लगाना, कान पकड़ के माफी मांग लेना, जिसके खुद की पार्टी का देखो तू तलाक तक कर भाषा का प्रयोग, तू तलाक की भाषा का प्रयोग कर, अपनी जात पर दिखा, अपनी औकात पर दिखा, अपने संस्कार पर दिखा, चिरकुट ऐसी भाषा नहीं, देखिए भाषा मत बोल। प्रेम शुक्ला जी, अरविंद कुमार जी, ना ना ना, ये गलत बोला था, सुना सुना, ये गलत बोला था, ऐसे नहीं, देखिए तू तरह की भाषा में बोल रहा है भाई, सुन लीजिए, आप सभी लोग सम्माननीय लोग हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, देश भर में करोड़ों लोग हमें सुनते हैं, ये लाइव टेलीकास्ट है, प्लीज भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। मैं इसके बीच बोल रहा था, कुलदीप भाई एक मिनट, कुलदीप जी बातचीत कोई किसी के खिलाफ ना करे, कोई किसी समाज से भी आता हो, हम सभी सबसे पहले इंसान हैं और एक दूसरे का सम्मान हमें करना चाहिए, ठीक है? कुलदीप जी एक मिनट, आपस में ऐसे झगड़ा नहीं करते प्लीज, मैंने उसके बीच बोला क्या? नहीं नहीं, हम लोग एक दूसरे को सम्मान देके बात करेंगे भाई, आप सभी लोग मेरे लिए सम्माननीय हैं। मैं इस तरह से नहीं, तू तो आपकी भाषा कोई ना बोले, ना आप बोलिए ना वो बोले, ठीक है? थोड़ा थोड़ा दिमाग ठंडा कीजिए, आपस में आप लोग व्यक्तिगत मत होइए ना, गलत तरीका अखिलेश जी बहस का, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए, प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी बोलिए, आपको एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, व्यक्तिगत आरोप लगाकर अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने शुरू किया। मैं बहुत सीधा पूछ रहा हूँ, जिस पार्टी ने क्लीन पॉलिटिक्स के नाम पे जो पार्टी बनी, उस पार्टी का जो है मंत्री जेल में चले जाता है और जेल में रहकर वो जेल मंत्री बने रहता है, इससे अधिक नैतिकता का पतन आपने भारत में कभी देखा था? रेपिस्ट को जो है थेरेपिस्ट बताकर इनका उप मुख्यमंत्री पाठशाला खोलने की जगह मधुशाला खुलता है, ऐसा भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी वो भ्रष्टाचार पर लेक्चर देती है। कल शरद पवार को भ्रष्ट कहते थे, श्रीमती सोनिया गांधी को भ्रष्ट कहते थे, राहुल गांधी को भ्रष्ट कहते थे, लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट कहते थे, और सबके जो है आग गले लग रहे हैं, तो इनकी क्या नीति है भाई, जिसका खुद का मंत्री जेल में रहे? प्रेम शुक्ला जी आपकी बात पूरी हो गई, अनइंटरप्टेड आपने बोला है, अब कुलदीप जी की बारी, कुलदीप जी अपनी बात रखिए। आप आज आपके चैनल पे प्रेम शुक्ला ने अपनी बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता को दिखा दिया, मैं इनको बताना चाहता हूं प्रेम शुक्ला, ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है, तुम्हारी मनुस्मृति चलता है, तुम्हारी संघीय साखें चलता है, तुम्हारी भाषा का इस्तेमाल कर दीजिए, आप इतना बड़ा मत करिए प्लीज, आपको बताना चाहता हूं, हम लोग को सम्मानी तरीके से एक दूसरे से बात करनी चाहिए, आप भी एक शब्द होता है, आप भी एक शब्द होता है, हम एक दूसरे से आप करके बात करें तो बेहतर है। किस औकात की बात करती है, किस औकात की बात कर रहे हैं? अगर मैं दलित समाज से आता हूं, मेरी औकात कम है, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, इनकी औकात ज्यादा है, इसकी बात कर रहे हैं आप, बताइए। अरे समाज वगैरह की तो बात ही नहीं हो रही, भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। देखिए ये जो तानाशाही है ना, तानाशाही, आज प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, इनके सर पे चढ़ के बोल रही है, और जब तानाशाही चढ़ती है ना तो आदमी बावला हो जाता है, कहते बावला हो जाता है, आदमी को समझ में नहीं आता क्या है। और अभी मैं पहले इस बात का जवाब दे दूं, अभी प्रेम शुक्ला जी पूछ रहे थे मेरी औकात क्या है, हमारी औकात इतनी है कि चुनाव आएगा ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव आते ही दलितों के घर में खाना खाने दिखाई दूंगा,
चुनाव आते ही मोदी जी का पैर छूते पैर धोते दिखाई दे हम लोगों की आपकी अभद्रता पता है। तो ये तानाशाही सर पता है ना, इस घमंड को उठा लो। अभद्रता आपकी पत्नी जी, आपकी बेटी, 2024 में घमंड उतार देंगे, आपकी बदकारी समझ में 2024 में बदहया बेशर्म की बात है कि देश की आजादी के 75 वर्ष बाद हमसे हमारी औकात एक राष्ट्रीय समय नहीं है। प्रेम शुक्ला जी अग्री कंटिन्यू दिमाग आपसे चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी कुलदीप जी उनको बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी वैसे भी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे तकनीकी वजहों से। हां प्रेम शुक्ला जी जी देखिए इनका आपने जैसे ही इनका आपने जो है पाखंड का बुरका टरटर फाड़ा, कैसे तू तड़ाक भाषा की मर्यादा सब क्या कैसे खंडित हो गई। उत्तर नहीं है कि रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कैसे बताया, जेल में रहकर जेल मंत्री जो है भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा है। अभी ये कांग्रेस को सर्टिफिकेट तो दे रहे, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा ड्रग्स का जो है कारोबार करने वाला कांग्रेस ही ड्रग्स का कारोबार करता है, और या तो ये झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ही अच्छे हैं, या तो कांग्रेस ही ड्रग्स के कारोबारी है। अगर कांग्रेस ही ड्रग्स के कारोबारी तो उनके साथ कैसे जा रहे हैं आप। तो इनका दो मुहापन सबके सामने है। दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिखे जाएगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पे आरोप लगाया 2 करोड़ का, जो कि सरकार के चश्मदीद गवाह दिनेश अरोड़ा साहब ने लगाया कि उन्होंने 2 करोड़ रुपये 2 किस्तों में संजय सिंह के घर पर पहुँचाए। दोस्तों उसी मुद्दे पर आज की डिबेट थी जिसमें दोस्तों आपस में भिड़ गए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जी इस डिबेट के अंदर विक्टिम गाल खेलते हुए दिखाई दिए कि मैं दलित हूँ और आप ब्राह्मण हो, जिसका कोई जिक्र नहीं हुआ इस डिबेट के अंदर। ना तो दलित का जिक्र हुआ, ना ब्राह्मण का जिक्र हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता जब इनकी पोले खुलने लगती है, जब इनके पास तत्व नहीं होते, जब इनके पास बोलने की बातें नहीं होती, जब ये घिर जाते हैं बैकफुट पे आ जाते हैं, तब ये ऐसे खेल खेलते हैं। विक्टिम कार्ड खेलना इनकी आदत हो चुकी है। मैं इन सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं से यही कहना चाहूँगा कि भैया देखिए, आप लोगों ने 2012-13 में ये बातें बोली थी कि भैया सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देना चाहिए, जिस पर भी आरोप सिद्ध हो जाए उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। जब आपके नेता के ऊपर ये सब चीज़ें होती है तब आप इतना बौखला क्यों जाते हो? सच्चाई का सामना कीजिए। अगर आप निर्दोष हो तो आप कोर्ट से बरी हो जाओगे, लेकिन अगर आप निर्दोष नहीं हो और अगर आप पे कार्रवाई हो रही है तो भैया बौखलाओ मत, सच्चाई का सामना करना सीख लो। खैर दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है संजय सिंह वाकई में भ्रष्टाचारी है, क्या उन पे जो आरोप लगे वो वाकई में सही है, उसमें कुछ दम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।